हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल YNH हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। आज एक और हेल्दी वीडियो लेकर मैं आपके साथ आई हूं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे संतरे। संतरे जिसे इंग्लिश में हम ऑरेंजेस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए नजर डालते हैं संतरे के होने वाले फायदों पर। नारंगी रंग का दिखने वाला संतरा ठंडा तन और मन को प्रसन्नता देने वाला फल है। ये जितना ही पौष्टिक होता है उतना ही इसके अंदर स्वास्थ्य को निखारने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर एक व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो, अगर उसको पूरा करने के लिए वो रोज एक संतरे का सेवन करेगा तो आप खुद देखेंगे उसके जीवन में, उसके हेल्थ पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा। संतरे के नियमित सेवन से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, चेहरे में निखार आता है और हमारे सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। तो आइए नजर डालते हैं संतरे के पौष्टिक गुणों के बारे में। पहला फायदा ये है, संतरे का सेवन हमारे जुकाम में भी काफी राहत पहुंचाता है। यह हमारे गले में होने वाले कफ को भी पतला करता है और संतरे के सेवन करने से जो हमारा कफ है, जो सूखी खांसी होती है, वो भी कफ के थ्रू बाहर निकलती है। संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन, पोटेशियम और लोहा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप नियमित संतरे का सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर में ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। संतरे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिससे आपके शरीर में दिन भर एक तरोताजगी बनी रहती है। संतरे का एक ग्लास जूस आपके शरीर को ताजगी और चुस्ती फुर्ती बनाता है। एक ग्लास जूस का सेवन रोज करने से आपके शरीर में एक ताजगी बनी रहती है और आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी एक रिफ्रेशमेंट बनी रहेगी। पेचिश की शिकायत होने पर अगर आप संतरे का रस बकरी के दूध में मिलाकर सेवन करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। संतरे का नियमित सेवन करने से बवासीर जैसी बीमारी से भी आपको निजात मिलेगा। इसमें जो है रक्त के प्रभाव को रोकने की भी काफी ज्यादा क्षमता होती है। तेज बुखार में संतरे का सेवन करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो तापमान होता है, वो भी कम हो जाता है। जो दिल के मरीज के पेशेंट होते हैं उसमें अगर हम उनको संतरे के रस में शहद मिलाकर देंगे तो उनको दिल की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। संतरे के सेवन से दांत और मसूड़ों के रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दांत में दर्द है या मसूड़ों में तकलीफ है तो ऐसे में अगर आप रोज संतरे का सेवन करेंगे तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और आपके दांतों संबंधी रोग से भी आपको निजात मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए संतरे का रस एक अमृत के समान है। अगर छोटे बच्चों को आप दूध में संतरे का रस मिलाकर रोजाना देंगे तो उनके शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेगा। संतरे का रस उनकी सेहत के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम भी करता है। जब बच्चों के दांत निकलते हो ऐसे में उन्हें अक्सर उल्टी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में अगर आप उनको संतरे का रस देंगे तो उन्हें बेचैनी भी नहीं होगी और उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनकी पाचन क्रिया भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पेट में गैस, आपच, जोड़ों का दर्द, उच्च रक्तचाप और गठिया जैसी रोग की समस्या में भी संतरे का सेवन बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी संतरे का रस बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इसके सेवन से प्रसव के समय में जो उन्हें परेशानियां होती है या प्रसव की पीड़ा जो होती है उससे भी उनको छुटकारा मिलता है और उनका होने वाला बच्चा भी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। संतरे के सूखे छिलकों को अगर आप महीन पीसकर उसे गुलाब जल या दूध में मिलाकर रोजाना अपने चेहरे पर लगाएंगे और आधे घंटे बाद उस पैक को धोएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे आपके चेहरे का सांवलापन भी दूर हो जाएगा और चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगा। संतरे के ताजे फूल को पीस कर उसका रस बालों में लगाने से आपके बाल काले हो जाते हैं और आपके बालों में शाइन बनी रहती है और सफेद बाल जैसी समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो यह सब थे संतरों से होने वाले फायदे। ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक आप अच्छा खाइए और स्वस्थ बने रहिए
और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।